Tecla C. 11,564. बच्चों का भोला बाबा बच्चों प्रति समझा रहे हैं। उसको कहा ही जाता है शिव भोला भगवान। हमेशा उनको शिव बाबा कहा जाता है। जब कोई चित्र देखेंगे, अब चित्र देखें या न देखें, तो भी शुभ वालों को याद करते रहते हैं। बाबा ने समझाया है कि शंकर को या कोई को भी भोला नाथ नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा को कभी कोई भोलानाथ नहीं कहेंगे। शंकर को भी नहीं कहेंगे। और विष्णु को भी भोलानाथ नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चों को जब याद करते हो तो कहने की भी दरकार नहीं है कि शिव भोला बाबा। बस भोला बाबा कहने से तुम्हारा मुख मीठा हो जाता है, क्योंकि जानते हो भोला बाबा सेवा भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और स्वर्ग का मालिक बनाए रहे हैं। बाबा अक्षर जब आता है तो बाबा कहने से प्रॉपर्टी मिल्कियत याद जरूर आती है, क्योंकि बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है और ग्रैंडफादर की मिल्कियत बच्चों को जरूर मिलती है। फादर की मिल्कियत मिले या न मिले, बाप दादा कहते हैं कि डाडे की मिल्कियत जरूर मिलती है। और किनको मिलती है? बाबा कहने वाले बच्चों को। शिव बाबा जब कहेंगे तो सारे भारत में जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको कोई भी खुशी नशा या प्रॉपर्टी वगैरह का कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे जब यहाँ बैठे हो तो जानते हो कि बरोबर वही शिव बाबा जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, जब कोई झाड़ का बीज होता है तो एक झाड़ का एक बीज होता है। और बरोबर ये कहते भी हैं कि इस मनुष्य सृष्टि का एक ही बीज है जिससे फिर मनुष्य सृष्टि रची जाती है। तो जरूर जब बीज बाप हो गया तो बाकी हो जाते हैं बच्चे। अभी तुम बच्चे जानते हो कि सबका बाप एक ही होता है। कोई 10 बाप तो नहीं होंगे ना। कहा जाता है भक्तों का भगवान बाप, क्योंकि भक्त किसको याद करते हैं? भगत याद करते हैं भगवान को, परंतु भगवान को जान नहीं सकते हैं।
क्योंकि भक्तों के लिए ये ही रामायण में नूद है कि मैं भक्तों के सामने छिप जाता हूँ। किसके सामने प्रत्यक्ष होता हूँ है? अपने बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता हूँ। बाप ने समझाया है कि मैं बच्चों को ज्ञान और योग से सदा सुखी बना करके छिप जाता हूँ, तो ज्ञान सागर भी तो एक ही होगा ना। जैसे ये जड़ सागर एक है, वो सागर को तो बांटा गया है, कहते हैं ये चीन का सागर है, ये अमेरिका का सागर है, ये यूके का सागर है और ये इंडिया का सागर है, हिंद महासागर है। परंतु ये सागर तो एक ही है ना, परंतु बांटा गया है। ऐसे ही मनुष्य सृष्टि में जो मनुष्य आत्माएं हैं, उनका ज्ञान सागर बाप तो एक ही है, परंतु जो भक्त आत्माएं हैं नहीं जानती हैं, उन्होंने बांट दिया है। तुम बच्चे अभी जानते हो कि सतयुग में इस सागर को कोई बांट नहीं सकता है, क्योंकि सारा सागर भारत का ही हो जाता है। कि तुम जानते हो सारे सागर के तुम मालिक बनने वाले हो और सारी सृष्टि के मालिक बनने वाले हो। तुम होते तो थोड़े ही हो, इस समय में सारी सृष्टि में देखो मनुष्य कितना कितना दूर दूर रहते हैं, ये भी तो समझना है कि सतयुग में इतने सभी मनुष्य और इतने सब खंड इतना दूर दूर होते ही नहीं है, सिर्फ एक बाप का, फिर सतयुग में एक ही राजधानी। इसको कहा जाता है भारत सतयुग में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, एक ही राज्य था। किसका राज्य था? भारत में देवी देवताओं का राज्य होता है, भगवान भगवती का भी कहते हैं। ये जो विलायत वाले हैं, अमेरिकन यूरोपियन, वो कभी कृष्ण को गॉड कह देते हैं, कभी लॉर्ड कह देते हैं। गॉड सीता, गॉड राम, ऐसे ऐसे भी कहते हैं। परंतु उन विचारों को मालूम नहीं होता है कि गॉड और गॉडेस कब राज्य करते थे और उनको राज्य कैसे मिला। देखो इस दुनिया में तो कोई भी नहीं जानते हैं, इनको कहते भी हैं ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर माना ज्ञान से सदगति होती है,
तो ये सागर है सबकी सदगति कर देते हैं और इनकी महिमा भी तो है ना। अभी बच्चे जानते हैं कि हमारे सामने ज्ञान का सागर बैठा हुआ है, उनसे ये ज्ञान की गंगाएं निकल करके सारे विश्व को सदगति देती हैं। ग्यारह पांच चौसठ की वाणी का दूसरा पेज, और तुम ये क्या करते हैं? अभी देखो बरसात भी तो नहीं है, परंतु ये नाम बहुत पड़ गए हैं। नाम देते हैं ज्ञान अमृत। अभी ज्ञान अमृत कहने से ये जो मनुष्य मात्र या जो भी पुजारी होते हैं वो चरणों को धो करके अमृत बनाकर रख देते हैं, और जो भी जाते हैं उनको कहते हैं अमृत लो अमृत लो। तो चरणों को क्यों धोते हैं? ये तो बुद्ध रूपी चरण की बात है। बुद्धि में ये ज्ञान चरणिंग करता है, मंथन होता है। बिना मथने के कोई अमृत निकलता है क्या? इसलिए बाबा बोलते हैं जब ब्रह्मा मुख से बोलते हैं तो कहते हैं अभी ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? हैं? जब ब्रह्मा मुख से वाणी चलती थी उसे ज्ञान अमृत क्यों नहीं कहते? क्योंकि उस समय ज्ञान का मंथन नहीं हो रहा था। मंथन होने से सार निकलता है, मक्खन निकलता है। तो अमृत नहीं कह सकती थी। इसलिए बोला अभी इस ज्ञान को अमृत नहीं कहा जाता है। देखो कोई दवाइयां भी निकलती हैं उनका भी नाम रख देते हैं अमृत। कौन सी दवाई? अमृत धारा। लाहौर में एक ने निकाली थी, बोला इस अमृत से सभी दुख दूर होते हैं, सभी बीमारियां नष्ट होती हैं। परंतु नहीं, उस अमृत धारा की बात नहीं है। काहे की बात है? ये तो बाप जो आकर के ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं, ब्रह्मा मुख से जो वेदवाणी निकलती है उस वेदवाणी का मंथन होता है, जिसका शास्त्र में गायन है सागर मंथन हुआ। उस सागर के मंथन से अमृत निकला, उस अमृत से सभी दुख दूर हो जाते हैं।
अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप बैठ करके योग सिखलाते हैं। अभी योग हुआ ना, परंतु योग को अमृत नहीं कहेंगे, योग को क्या कहते हैं? योगाग्नि। इस योगाग्नि से तुम बच्चों की सभी बीमारियां 21 जन्म के लिए दूर हो जाएंगी। बाकी इस जन्म की बात नहीं है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बाबा को लेना देते हैं, बाबा आप इतने साल हो गए हमको ज्ञान में चलते चलते हमारी बीमारी दूर नहीं हुई। बाबा कहते हैं ये बीमारी में आदि तुम्हारा पूर्व जन्म का हिसाब किताब है, ये देह को भोगना पड़ेगा, मैं तो तुम्हारी आत्मा की दवाई देने के लिए आया हूं। आत्मा का कनेक्शन भविष्य के 21 जन्मों से है और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब बन जाता है। तो मैं इस जन्म की तुम्हारी बीमारियां दूर करने के लिए नहीं आया हुआ हूं, इस जन्म में तो तुम भोगते रहते हो, अपने ही किए हुए कर्मों का पूर्व जन्म का हिसाब तुम्हें ही भोगना है, मैं उसे ठीक नहीं कर सकता। और ये भोगना भोगनी है अंत तक, इस शरीर के इस जन्म के शरीर के द्वारा ही भोगनी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते हैं ये शरीर सड़ते जावेंगे और बाबा की ज्ञान की दवाई से तुम्हारी आत्मा पावरफुल होती जाएगी। यहां सिर्फ है योग और ज्ञान की बात। अमृत अमृत की बात नहीं उठती है, कहां की बात बताई है? ये वाणी कब की है? ब्रह्मा बाबा जीवित थे 64 की वाणी है, तो ब्रह्मा के मुख से जो सुनाया वो वेद वाणी कोई अमृत बमृत नहीं है। अभी बाप आकर के समझाते हैं, बच्चे योग लगाओ तो तुम्हारी सब बीमारियां नष्ट हो जाएंगी, परंतु साथ साथ ये भी कहते हैं कि तुमको फिर कभी भी बीमारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि फिर तुम सतयुग में रहने वाले हो। तो यहां पुरुषार्थ करते ही हो बाप से हेल्थ एंड वेल्थ लेने के लिए, ऐसे नहीं है कि कोई दूसरी बीमारी हो जाएगी, नहीं, वहां सतयुग में कोई बीमारी होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? है यहां क्यों होती है बीमारियां? क्योंकि यहां 5 विकारों रूपी माया है और सतयुग में 5 विकारों रूपी माया होती ही नहीं है। इसलिए वो भी समझा देते हैं
कि मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं और बताए देता हूं कि सतयुग में ये माया होती ही नहीं है। इसलिए कोई बीमारी नहीं होती। ये तो दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं, ये बीमारियां, रोग, रोना पीटना सतयुग में कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? कुछ कारण होगा है, क्योंकि वहां सब आत्मिक स्टेज में रहते हैं। ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा की सदैव याद रहती है, देह की याद नहीं रहती है। देवाने ही नहीं होता, देवान से पांच विकारों की बीमारियां पैदा होती हैं। परंतु ये जो कहते हैं कि एक व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए हैं, है ये कहां की शूटिंग है? ब्रॉड ड्रामा में तो कहते हैं द्वापर युग से एक व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, उसकी शूटिंग यहां कैसे होती है? रिहर्सल होती है या नहीं होती है? कैसे होती है तो बताते हैं कि यहां तो प्रैक्टिकल में एक ही बाप बैठा है ना, जो तुम्हें सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। उनको भगवान कहते हैं ना, इसलिए ऐसे ही समझो कि जो अपन को भगवान मानते या कहते हैं वो तो महामूर्ख हैं, हैं? बाप आते हैं जिस मुकर्रर रथ में आते हैं उसके द्वारा कभी कहते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं शंकर हूं, मैं राम हूं या मैं कृष्ण हूं, ऐसे कभी कहते हैं क्या? व्यास ने भक्ति मार्ग के लिए क्या किया है? ऐसे नहीं कहेंगे कोई बैठ करके लिखते हैं, नहीं, ये तो ड्रामा में नूंद है, बरोबर है, फिर भी व्यास का नाम पड़ेगा और ये शास्त्र बनेंगे। ये पहले से ही ड्रामा बना हुआ है, बना बनाया ड्रामा है ना, इसलिए इस ड्रामा को बड़ी युक्ति से समझना है। जो भी तुमने देखा वो सभी ड्रामा में बना बनाया। व्यास ने शास्त्र बनाए, ये बनी बनाई प्राचीन बात है, प्राचीन माने बेअंत। ये बने बनाए शास्त्र कब से बने? कि जो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं वो चलते ही आएंगे और ये कभी भी बदली नहीं हो सकते। ये जो अभी कहते हैं ये शास्त्र झूठे हैं, व्यास ने बनाया,
उनको भगवान कहा ही नहीं जा सकता है। तो बैठ करके ऐसे ही शास्त्र बनाए हैं जो और ही दुर्गति को पाए और ही दुर्गति को पाते रहते हैं। बाप समझाते हैं कि बच्चों को बरोबर दुर्गति को पाना है। ऐसे कभी कोई नहीं समझाएगा कि भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग है और ये भक्ति मार्ग द्वापर युग से शुरू होता है। कुछ भी करो, शास्त्र पढ़ो, काशी करवट खाओ, बलि चढ़ो, तो भी तुम वापस नहीं जा सकते। तुमको यहां सतोप्रधान आना है, फिर सतोप्रधान से तमोप्रधान बनना है। अच्छा, तुमने पाप नाश कर दिए, फिर भी रामा के इस कर्म क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे, फिर भी कर्म करके तमोप्रधान जरूर बनना है। क्योंकि बच्चे जानते हैं कि हम सो सतोप्रधान वो ही हम तमोप्रधान बने हुए हैं। ऐसे है ना, शुरू से लेकर कहते हैं ना कि साहब जो सतोप्रधान है वो सारा तमोप्रधान जरूर बनना है। तो फिर ये भक्ति मार्ग क्या हुआ? रात शुरू होती है, रात शुरू होकर के फिर अंधेरा हो जाता है। तो पहले रात इतनी अंधेरी नहीं थी, कब? द्वापर के आदमी रात इतनी अंधेरी नहीं थी जितनी अब कलयुग के अंत में अंधेरी है। क्योंकि रात को भी तमोप्रधान बनना ही है। 11:564 की वाणी का तीसरा पेज। तो रात को भी ऐसे ही कहेंगे, पहले सतोप्रधान फिर रजोतमो। सतो है तब जबकि भक्ति मार्ग अब भी विचारी है। पीछे जितना जितना भी विचारी बनता जाता है, आस्ते आस्ते कलाएं कम होती जाती हैं और फिर घोर अंधियारा हो जाता है। यानी ग्रहण पूरा खा जाता है, ये बेहद का ग्रहण है। इसको कहा जाता है सृष्टि के ऊपर है बेहद का ग्रहण, जबकि एकदम अंधियारा हो जाता है। कहते हैं काला जादू, अभी वो स्थूल चंद्रमा की तो बात नहीं है, किसकी बात है? है? अरे कौन से चंद्रमा की बात है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की बात है। और ये सारे विश्व की बात है। वो चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, सारे विश्व में तो अंधेरा नहीं होता है। और यहां तो सारे विश्व की बात है,
सारी दुनिया में अंधेरा छा जाता है, ये बेहद का बात है। इस विश्व को जब रावण का ग्रहण लगता है तो थोड़ा थोड़ा जैसे ग्रहण लगता है तो थोड़ा थोड़ा खाता जाता है। यहां तो साल के साल लग जाते हैं। कौन से ग्रहण को है? तो जड़ चंद्रमा जड़ सूर्य का ग्रहण लगता है वो सालों साल लग जाते हैं। वो तो हुआ हद का ग्रहण, और ये ग्रहण तो घड़ी घड़ी होता है, सारे विश्व को द्वापर से ग्रहण लगना शुरू होता है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। देखो कितना टाइम लगता है, 2500 वर्ष लगते हैं जबकि विश्व एकदम काला हो जाता है। आम सारा विश्व काला होता है और खास भारत काला हो जाता है। इस समय में बिल्कुल ही घोर अंधेरा है। अब इस घोर अंधेरे को सोझरा कौन करे? अभी घोर अंधेरा ही कहा जाता है। फिर सारी मनुष्य शक्ति को पतित ही कहा जाता है। नाम तो बहुत हो गए, तो कहते हैं इस घोर अंधेरे को सोझरा करने वाला, दिन बनाने वाला एक ही बाप है। इस सारी सृष्टि जो पतित हो गई है उसको पावन बनाने वाला एक बाप है। वो बाप हद का है, बेहद का, बेहद का बाप है। और बेहद का बाप एक होता है या दो होते हैं? है कोई एक है कोई दो? बेहद के बाप दो हैं, परंतु अंधेरे को सोझरा बनाने वाला एक ही बाप है। एक बेहद का बाप है मनुष्य सृष्टि का बाप, और एक है सर्वात्माओं का बाप। दोनों बेहद के बाप हैं, परंतु आत्माएं जो अज्ञान अंधेरे में आ गई हैं, पतित बन गई हैं, उनको पावन बनाने वाला एक ही बाप है। कि जो भगत हैं, जो इतनी भक्ति करते हैं, माथा टेकते टेकते जब अंत हो जाती है तो भगवान को कितना याद करते हैं। अब भगवान तो भगवान को याद नहीं करेगा ना, करेगा है? अरे भक्ति मार्ग में शंकर के सामने जाते हैं तो भगवान समझ करके याद करते हैं ना। और शंकर क्या करता है, है? वो भी याद करता है। तो भगवान भगवान को याद करता है क्या?
है? नहीं करेगा? ये जो सर्वव्यापी का ज्ञान इन्होंने उठाया है, उनको समझाना चाहिए कि गॉड इज वन, भगवान एक है और ये सारी सृष्टि उनकी रचना है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप गॉड को कहा जाता है। हैं? मनुष्य सृष्टि का बीज है तो सृष्टि रूपी झाड़ भी तो होगा ना। सृष्टि रूपी झाड़ में, सारे झाड़ में बीज समाया हुआ है या नहीं समाया हुआ है? इसलिए गीता में लिखा है नाहम तेषु ते मयि। क्या मैं उन सृष्टि के पत्तों में, टहनियों में, फूलों में, फलों में नहीं हूं, लेकिन वो सारे के सारे मेरे में समाये हुए हैं। किसमें? बीज में समाये हुए हैं। तो फिर इस एक बीज की ही महिमा है। जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, जिस मुकर्रर तन में मैं आता हूं, उस सभी पत्तों में थोड़े ही आता हूं, सभी टहनियों में आता हूं, सभी तनों में आता हूं क्या? नहीं। और वो बीज रहता भी ऊपर में है। कौन सा बीज है? जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, वो नीची स्टेज में रहता है या ऊंची स्टेज में रहता है? ड्रामा का हीरो पार्टधारी होगा तो हीरो पार्ट बजाएगा, ऊंचा ही पार्ट बजाएगा या नीचे पार्ट भी बजाएगा? हैं? ऊंची रहता है, इसलिए उनकी महिमा होती है। यहां वालों की ऐसी महिमा नहीं हो सकेगी। जो अगर अपन को बाप भी कहलाए कि हम आत्मा सो परमात्मा हैं, तो उनकी महिमा कोई गा ही नहीं सकेंगे। इतने मनुष्य होते हुए फिर भी गायनो उन्हीं का होता है कि बरोबर वो ही पतित पावन है। वो एक ही मनुष्य सृष्टि का बीज है। सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है। कि तमो है? नहीं, सत्य ही है। और सत्य अभी है या कल भी रहेगा? है? सिख लोग कहते हैं है सी भी सत्य हो सी भी सत्य। गीता में भी लिखा हुआ है ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य होता है उसका कभी भी अभाव नहीं हो सकता, वो सदैव है ही है। ये कभी भी कोई मनुष्य की महिमा नहीं हो सकती है।
क्योंकि महिमा तो एक ही होती है ना। यहां इस दुनिया में जो शास्त्रों के ज्ञानी हैं, उनकी तो ये महिमा नहीं है ना, क्योंकि ये शास्त्र सब हैं भक्ति मार्ग के। अभी ये जो भक्ति है वो ज्ञान का एक कण भी नहीं है। भक्ति में ज्ञान का एक कण दाना भी नहीं है, एकदम नहीं। ज्ञान से एक सेकंड में जीवन मुक्ति का रस आ जाता है। तो बाप कहते हैं मन मना भव, क्या कहते हैं, मत मना भव, मत माने मेरे, मना माने मन में, भव मानस समझा। कौन कहते हैं, हैं? बाप कहते हैं। बाप तो निराकार है, ज्योति बिंदु है, कैसे कहेगा? ज्योति बिंदु कहेगा मन मना भव, जरूर कोई साकार है और वो साकार भी एक ही है। कोई 10 धर्म पिताएं इस दुनिया के नहीं है, वो एक ही मनुष्य सृष्टि का बीज है जो सब धर्मों में मान्यता प्राप्त है। सब धर्म वाले उसको मानते हैं, मनुष्य सृष्टि का आदम। अंग्रेज लोग कहते हैं एडम, मुसलमान आदम कहते हैं, जैनी लोग आदिनाथ कहते हैं, हिंदू आदिदेव कहते हैं। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज एक ही है जिसके द्वारा कहते हैं मन मना भव। इसको ज्ञान कहा जाता है। यानी हे बच्चे, मुझे एक को याद करो। अब ये कौन कहते हैं कि मुझे याद करो? तुम जानते हो कि एक ही कहते हैं मुझे याद करो, और ये बात गीता में है तो सही ना। भगवान वाच, मन मना भव मद्याजी मामेव नमस्कुरु। देखो व्यास ने क्या किया है। अभी व्यास का कोई दोष नहीं कहेंगे, उनको पाठ ही ऐसा मिला हुआ है कि भक्ति मार्ग की सामग्री बनाना, ये यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ शास्त्र वेद उपनिषद आदि पढ़ना। बाबा बोलते हैं, हे मेरे लाडले बच्चे, ये इनको भी कहते हैं, किनको हैं? हे मेरे लाडले बच्चे, ये इनको भी कहते हैं, किनको? ब्रह्मा को कहते हैं। ये सुनता है क्योंकि वो बाबा इनमें बैठा हुआ है। हे बच्चे, तुम राज ऋषि हो, ऐसा तो कोई सन्यासी कह नहीं सकता। उनके मुख से कभी भी नहीं निकलेगा कि तुम राज ऋषि हो। अभी कहां की बात कहां बैठ करके वो लिखते रहते हैं। बेचारे मनुष्य थोड़े ही ये कुछ समझेंगे।
ये है ही गुप्त बात। बाप आते हैं, गुप्त आते हैं, हैं? कब आए? पहले पहले कब आए? बाप आते हैं, गुप्त आते हैं, पहले पहले कब आए? हैं? कब? 76 में आए, उससे पहले आए ही नहीं। ये वेदवाणी कहां से आई जो ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली? हैं? ब्रह्मा के मुख में आए तभी तो नाम ब्रह्मा पड़ा। बाप कहते हैं मैं जिसमें आता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो कब आए? पहले पहले, पहले पहले कब आए? 1936-37 में आए। लेकिन जब आए तो क्या ब्रह्मा ने पहचाना? नहीं पहचाना। ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने पहचाना? नहीं पहचाना। बाप आते ही हैं गुप्त है। कोई बच्चा भी गर्भ में आता है तो गुप्त आता है या किसी को पता चलता है? गुप्त आता है ना, है वो भी आत्मा। और ये जो बेहद का बाप है वो भी आत्मा है। जब आते हैं तो गुप्त ही आते हैं। और उस गुप्त को तुम नंबरवार बच्चे ही जानो और कोई नहीं जाने। क्या कहा? कौन जाने? तुम नंबरवार बच्चे। तुम किसको कहा जाता है? जो बाप के सन्मुख बैठे हुए होते हैं उनको तुम कहा जाता है। और ये है बाबा बोलते हैं मैं तुम बच्चों से बात करता हूं, ये तो बीच में सुन लेता है। माना माना ये ब्रह्मा, ये तो बच्चा बुद्धि है, ये मेरी बात समझ नहीं सकता गहराई से, इसलिए मैं इससे बात नहीं करता हूं। मैं तुम समझदार बच्चों से बात करता हूं। बुद्धिमानों की बुद्धि बेहद का बाप है तो बच्चे भी कैसे होंगे? बुद्धिमान बाप के बच्चे भी बुद्धिमान होंगे। तो जब मैं गुप्त आता हूं तो उस गुप्त को तुम बच्चे ही नंबरवार जानते हो और न जाने कोई। जब तक उनको तुम समझाओ नहीं, किनको? और दुनिया वालों को। कौन से दुनिया वालों को? है जो और कुरी के ब्राह्मण हैं, नौकुरी के ब्राह्मण गाए जाते हैं ना, तुम हो ऊंचते ऊंच कुरी के ब्राह्मण। तुम पहचानते हो बाप को नंबर बार, तो दुनिया वालों को पता नहीं होता। उनको जब तक तुम न समझाओ तब तक नहीं समझेंगे। समझाने के लिए भी बाबा ने आज कहा था कि मनुष्यों को कैसे समझाया जाए, ये तो जरूर समझाना चाहिए कि गॉड इज वन। क्या पहली पहली बात क्या समझाना चाहिए? भगवान एक है, ये तो कभी भी कोई ने समझाया नहीं होगा। क्या कि भगवान एक है, ऐसे नहीं है कि आत्मा सो परमात्मा।
सभी आत्माएं परमात्मा का रूप है, कीड़े मकोड़े कुत्ते बिल्ले। भगवान के कितने कितने अवतार बताए दिए, मगरमच्छ का अवतार, घोड़े का अवतार, सुअर का अवतार। अब भगवान जानवरों को आकर के ज्ञान सुनाएगा क्या? भगवान मनुष्यों को सुनाएगा या जानवरों को सुनाएगा? ज्ञान को कौन समझेंगे? हैं? मनुष्य ही समझेंगे। तो जब गॉड फादर इज वन तो जरूर ये इतने सभी उनके बच्चे हैं, ये उनके ही बच्चे ठहरे। ये पहले पहले बताना चाहिए क्या कि गॉड हर आत्मा में नहीं आता है, हर आत्मा में बाप प्रत्यक्ष नहीं होता है। भले गॉड फादर निराकार है, ज्योति बिंदु है, उनके ज्योति बिंदु का ही नाम शिव है, परंतु वो शिव हर आत्मा में परमात्मा नहीं बैठा हुआ है। फिर किस में? गॉड इज वन। ऊंचे से ऊंचे बाप है तो ऊंचे से ऊंचे में आवेगा या सब में आवेगा? ऊंचे से ऊंचे में ही आते हैं। ये बात कभी कोई ने नहीं समझाई होगी। तो सिर्फ गॉड नहीं कहो, नहीं, परमपिता परमात्मा एक है ऐसे कहो। क्या कहो? परमपिता, जिससे बड़ा पिता कोई होता नहीं। मनुष्य सृष्टि में क्रिश्चियंस मनुष्य हैं, इस्लामी और मुस्लिम मनुष्य हैं, सिख मनुष्य हैं, बौद्धी मनुष्य हैं, और वो अलग अलग धर्म वाले मनुष्य अपने अपने अलग अलग धर्म पिताओं को मानते हैं, परंतु वो सब धर्म पिताएं परम पिता का रूप कहे जा सकते हैं क्या? उनको परम पिता कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? हैं? परम पिता इसलिए नहीं कहेंगे कि सब धर्म वाले मनुष्य की सृष्टि के एक ही बाप को मानते हैं, जिसे आदम एडम आदिदेव कहते हैं। तो सब धर्मों के बाप का नाम क्या हुआ? आदम या एडम ही हुआ ना? सब धर्मों का बाप कौन हुआ? आदम ही हुआ ना? उस आदम में ही सुप्रीम सोल बाप आते हैं। वो आदम सब मनुष्यों का पिता है, परंतु उसका भी कोई बाप है या नहीं है? हैं? आदम का बाप कौन है? आदम का वही बाप है जिसे खुदा कहा जाता है, और मुसलमान कहते भी हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो क्या सही कहते हैं? हैं? आदम खुदा के नूर से जुदा नहीं होता कलयुग के अंत में? हैं? कलयुग के अंत में
जो आदम वाली आत्मा है वो खुदा के नूर से, खुदा की ज्ञान की रोशनी से अलग नहीं हो जाता क्या है? खुदा का सारा ज्ञान आदम में होता है, कलयुग के अंत में होता है नहीं होता? तो बोला कि परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज है। अरे मनुष्य सृष्टि का बीज आदम है या परम धाम वासी शिव है? है आदम है। आदम अज्ञानी बनता है या नहीं बनता है? है वो आदम अज्ञानी बनता है तो सारी सृष्टि भी अज्ञानी बन जाती है। परंतु शिव कभी अज्ञानी बनता है क्या? नहीं बनता है। वो शिव इस सृष्टि पर आता है तो पहले पहले किसको ज्ञान देता है? हैं? आदम को देता है। इसलिए बोला कि मनुष्य सृष्टि का बीज एक है। उनको कहा जाता है सभी भक्तों का भगवान कि तो ये दुनिया में भक्ति मार्ग है, इसलिए सभी भक्तों को सुख देने के लिए वो बाप आते हैं और भक्ति मार्ग में पुकारते हैं ना कि दुख तो है ही दुनिया में बरोबर, कलह क्लेश का युग है, बहुत दुख है, इतने दुख है कि मनुष्य चारों ओर त्राही त्राही करते रहते हैं, इसलिए भगत हैं। क्या भगत किस लिए हैं? त्राही त्राही करते रहते हैं, क्योंकि सतयुग में तो कोई त्राही त्राही करते ही नहीं है और भक्त तो बहुत हैं, ढेर के ढेर भक्त हैं। सिर्फ तुम भारतवासी ही भगत नहीं हो, सब भगत हैं, सारी दुनिया में भगत ही भगत, ये मंदिर मस्जिद वगैरह वगैरह ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री। और सतयुग में ये कोई भी सामग्री नहीं होती है, ऐसे मत समझो कि सतयुग में कोई शिव का मंदिर बनता है। बनता है? है? नहीं बनता है। वो है भक्ति कल्ट और वो है ज्ञान कल्ट। वो सतयुग है दिन और द्वापर कलयुग है रात। तो दिन में कोई मंदिर वगैरह नहीं होती है और रात में ये मंदिर मस्जिद वगैरह वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। तो कोई कोई आते हैं क्योंकि पहले पहले तो मंदिर बनेंगे ना, या मस्जिद बनेगी या गुरुद्वारे बनेंगे, ये नंबर बार बनते हैं ना। क्यों है मंदिर पहले क्यों बनते हैं और शिव के मंदिर पहले क्यों बनते हैं? क्योंकि सृष्टि में शिव ही पहले आता है, धर्मपिता पहला पहला, धर्मपिता अव्वल नंबर, जो अल्लाह अव्वल दीन की स्थापना करता है। बाकी मस्जिद वगैरह बाद में बनते हैं,
क्योंकि वो धर्म पिता है, बाद में आते हैं। तो पहले पहले तो मंदिर बनेंगे ना, पहले पहले कोई मस्जिद नहीं बनेगी, पहले पहले मंदिर बनेगा। और मंदिरों में भी पहला मंदिर कौन सा बनेगा है? बरोबर, पहले पहले सोमनाथ का मंदिर था। ये सोमनाथ नाम क्यों दिया है? सोम किसे कहा जाता है? चंद्रमा कौन है बेहद में? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है। और वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा स्वतः के ज्ञान से प्रकाशित होता है, उसके अंदर है मनन चिंतन मंथन का ज्ञान स्वतः अंदर से आता है या सूर्य से आती है रोशनी? तो जिससे रोशनी आती है उसको कहा जाता है सोमनाथ। सोम माने चंद्रमा को भी नाथने वाला, वो चंद्रमा शिव के मंदिर में बैल के रूप में दिखाया जाता है। तो बैल के नाक में क्या डाली जाती है? हैं? नाथ डाली जाती है। जैसे भक्ति मार्ग में पत्नियों की नाक में क्या डालते हैं? है? नथनियां डालते हैं। क्या सतयुग में भी डालते हैं? क्यों सतयुग में क्यों नहीं डालते? द्वापर कलयुग में क्यों डालते हैं? हैं? द्वापर युग में इसलिए डालते हैं कि वो जो धर्म पिताएं आते हैं अलग अलग धर्मों के, वो अपने प्रभाव में ले लेते हैं, इसलिए नाथ डाल करके बांध के रखा जाता है, कहीं पराई न बन जाए। तो यहां भी नाम दिया सोमनाथ। सोम माने चंद्रमा, चंद्रमा ही बैल के रूप में पार्ट बजाता है। उसे बैल कहो, मनरूपी घोड़ा कहो, वो मनरूपी घोड़ा पहले पहले कंट्रोल से बाहर होता है या पहले ही कंट्रोल में होता है? है? कंट्रोल से बाहर होता है। तो बैल को नाथ डाली जाती है और घोड़े को लगाम लगाई जाती है। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, जब भी कोई आवे तो उनको बोलो देखो गॉड इज वन कहा जाता है। क्या भगवान दो नहीं हो सकते कि राम और कृष्ण दोनों भगवान के रूप हैं या दशावतार भगवान के रूप हैं या हर आत्मा सो परमात्मा हो सकती है? नहीं, भगवान तो एक ही है जिसको कहा जाता है परमपिता परमात्मा, या ऐसे कहते हैं परमात्मा परमपिता है। परमात्मा परमपिता क्यों नहीं कहते है? अरे शिव शंकर क्यों कहते हैं? शंकर शिव क्यों नहीं कहते?
क्योंकि जो बड़ा है उसका नाम पहले और जो छोटा है उसका नाम बाद में ऐड किया जाता है। तो परमपिता है शिव और आत्माओं के बीच में परम पाटीदारी हीरो पाटीदारी है मनुष्य सृष्टि का बीज प्रजापिता एडम या आदम। अच्छा ओम शांति।